नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कौन सी परिस्थितियों के अंदर बहुत अच्छा फल देता है और कौन सी परिस्थितियों में बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता है। तो आइए गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य पहले और नौवे भाव के अंदर कारक माना गया है, यानी कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य पहले और नौवे भाव में बैठा हो तो बहुत बहुत अच्छा फल देता है। उसमें भी अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य पहले भाव के अंदर स्वद्रोही मित्र क्षेत्री उच्चिका होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे एक खास प्रकार का तेज ओजस आभा मंडल होता है जो सबका ध्यान उनके तरफ खींच लेता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य पहले भाव के अंदर बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान गुणवान संस्कारी तेजस्वी प्रभावशाली चालाक चतुर होशियार और बहुत ही नीडर लीडर आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास रणनीति कूटनीति चाणक्य नीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है और ऐसे व्यक्ति अच्छे कर्म करके अपना जीवन सार्थक करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्वान ज्ञानी और धार्मिक भी होते हैं और ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य नवम भाव में बैठा हो तो भी कारक माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य नवम भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चिका होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान ज्ञानी धार्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना होम हवन करना दान पुण्य करना यात्रा तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना भी अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के प्रति अतूट श्रद्धा रखने वाले धर्म के प्रति आस्था रखने वाले धार्मिक ज्ञानी और विद्वान होते हैं। इनमें और एक बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर अर्थात सिक्सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से भास हो जाता है जो काफी हद तक सही होता है और उनका भाग्य भी बहुत अच्छा होता है। वो बहुत ही नसीबदार भाग्यशाली किस्मत वाले होते हैं, उनका नसीब उनको कदम कदम पे साथ देता है और ऐसे व्यक्ति कम समय के अंदर अच्छी नामना भी कमाते हैं। अभी आते हैं दूसरे नियम पे। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य दशम भाव में बैठा हो तो दिग्बली माना जाता है। उसमें भी अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य दशम भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्चिका होकर बैठा हो तो बहुत ज्यादा अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर अच्छे कर्म करके अपना जीवन सार्थक करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान यश जश कीर्ति पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे शिक्षक प्रोफेसर ज्योतिषकार कर्मकांडी ब्राह्मण राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो आंखों के डॉक्टर हड्डियों के डॉक्टर दांतों के डॉक्टर भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि इनके बताए हुए उपाय करने से लोगों को लाभ होता है, इनकी सलाह से भी लोगों को बहुत लाभ होता है। दशम भाव का सूर्य व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाता है और ऐसे व्यक्ति नीडर लीडर आगेवान बन सकते हैं। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। ज्योतिष के नियम अनुसार सूर्य से दूसरे और बारहवें भाव के अंदर मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि जैसे ग्रह बैठे हो तो वोशी
वेशी उभयचरी नाम के तीन राजयोग बनते हैं। फिर से कहूंगा, सूर्य से दूसरे और बारहवें भाव के अंदर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि जैसे ग्रह बैठे हो तो वोशी वेशी उभयचरी नाम के तीन तीन राजयोग बनते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर वेशी वोशी उभयचरी नाम के तीन राजयोग बनते हो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं। अपने अच्छे कर्मों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। उनके चेहरे के ऊपर एक खास प्रकार का तेज और ओजस होता है। ऐसे व्यक्ति कायदा, कानून, कोर्ट कचेरी और गवर्नमेंट से लगते काम करें तो उन्हें बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी से भी फायदा होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार भी बन सकते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अगर कुंडली के अंदर सूर्य 11वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर सूर्य 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती। वो दिन प्रतिदिन धनवान होता है, यशवान होता है, कीर्तिवान होता है और उन्हें उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना भी अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात कि वो लोग अपने कुटुंब का नाम भी रोशन करने वाले लोग होते हैं और अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि मरने के बाद भी लोग उनके कर्मों के वजह से उन्हें याद करते हैं। अभी हम आते हैं कि युति का फल देखते हैं। तो सुनिए, जिसके भी कुंडली के अंदर सूर्य गुरु की युति होती हो तो उसे हम लोग कहते हैं राज लक्षण योग। जिसकी भी कुंडली के अंदर राज लक्षण योग बनता हो ऐसे व्यक्ति बड़े विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं। एक अच्छे सलाहकार, ज्योतिषकार, डॉक्टर या वकील भी बन सकते हैं। इनके हाथों में कुछ ऐसा गुण होता है कि इनकी सलाह से लोगों को लाभ होता है, इनके मार्गदर्शन से भी लोगों को लाभ होता है और इनके बताए गए उपाय करने से भी लोगों को निश्चित फायदा होता है, ये भी देखा गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य बुध की युति होती हो, ध्यान से सुनना, जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य बुध की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो आदित्य योग नाम का, बुध आदित्य योग नाम का राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति बड़े बुद्धिमान, गुणवान, विनम्र, विनयी, विवेकी, तेजस्वी, प्रभावशाली होते हैं। इन्हें ज्ञान प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है और अपने जीवन के अंदर हर प्रकार से सर्वसुख संपन्नता प्राप्त करते हैं और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम अशुभ के भी बारे में जानेंगे। अगर कुंडली के अंदर सूर्य राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो सूर्य ग्रहण योग नाम का अशुभ योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को वो मान सम्मान भी नहीं मिलता जिसके वो अधिकारी होते हैं। उसके बाद सूर्य ग्रहण वाले व्यक्तियों को हमेशा संघर्षों का सामना करना पड़ता है और तकलीफों का सामना करते मैंने देखा है। उसके बाद सूर्य शनि की युति संघर्ष योग नाम का शुभ योग बनाती है। उनका पूरा जीवन संघर्ष में होता है और ऐसे व्यक्ति गरीबी से ऊपर आने वाले लोग मैंने देखे हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी काबिलियत से अपने दमखम पर 36 साल के बाद सर्व सुख की प्राप्ति करते हैं और हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। अगर मान लो कुंडली के अंदर सूर्य नीच का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो कौन से उपाय करें? पहला, ओम ह्रीम सूर्याय नमः के 108 जाप करें, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्ध दे और अगर कुंडली के अंदर सूर्य कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो माणिक का रत्न भी पहन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।